इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। हेलो, आई एम डॉक्टर बबली एंड मोस्ट वेलकम टू इंडियन एग्रीकोर्स चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम रिप्रेजेंट्स क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेस, अदर फार्म एंटरप्राइजेस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी विच डिटरमाइन देयर मेकअप। जो फार्म इंटरप्राइजेस हैं उसमें इंक्लूड होंगे लेबर, कैपिटल, लैंड एंड वाटर। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। क्रॉपिंग सिस्टम इज लोकेशन स्पेसिफिक because it changes when place and environment are changed. The objective of cropping system is efficient utilization of all available resources. जितने भी farm पे available resources हैं उनका efficient utilization cropping system में एक क्या है objective है, like solar radiation, land, water and maintaining stability in production and obtaining higher net return per unit area. There are three pillars of cropping system. First one is genotype, next is geometry of planting, and third one is management practices. जीनोटाइप में क्या है कि जो क्रॉप के जेनेटिक करेक्टर्स हैं, इनहेरिटेंस है, उस पर डिपेंड करता है। और ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग में क्या है, शेप और स्पेस। शेप में जो प्लांटिंग पैटर्न है किसी भी लैंड सरफेस का, किस शेप में हमने उसको क्या कर रखा है, ग्रो कर रखा है। नेक्स्ट है स्पेस, एरिया अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल प्लांट। इंडिविजुअल प्लांट ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। जो डिफरेंट हम शेप यूज कर सकते हैं, जैसे सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड क्यूबॉइडल। लेकिन जो क्यूबॉइडल प्लांटिंग करते हैं उसमें मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन आती है इन कंपैरिजन टू अदर शेप्स, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है कि जितने भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं फॉर द स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्रॉप, बेस्ट मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। नेक्स्ट है क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर डिफरेंस। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, एक बिग टर्म है और इसी के अंदर ही क्या आता है, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट टू गेट बेनिफिट फ्रॉम ए गिवन रिसोर्स बेस अंडर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन ए गिवन एरिया। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज द क्रॉपिंग पैटर्न इज द ईयरली स्क्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट। मीन्स जो उस स्पेस पे हमने क्रॉप की क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है एंड फेलो ऑन ए गिवन एरिया, ये है क्रॉपिंग पैटर्न। लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम में क्या है, पैटर्न ऑफ क्रॉप्स टेकन अप फॉर ए गिवन पीस ऑफ लैंड इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए पीस ऑफ लैंड ओवर ए फिक्स पीरियड, जिसमें क्या है, एसोसिएटेड विद सोयल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसमें क्या है, मैन्योरिंग, टिलेज एंड इरिगेशन। नेक्स्ट डिफरेंस इज द क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, किसी भी फार्म पे फॉलो किया जाता है, जिसमें इसका इंटरेक्शन किससे होता है, फार्म रिसोर्सेज से, फार्म एंटरप्राइजेस से एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी से। लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न में क्या है कि किस टाइप की क्रॉप है एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन टाइम एंड स्पेस। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। ये क्या है, डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। क्रॉपिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज मोनोक्रॉपिंग एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगेन मल्टीपल क्रॉपिंग इज डिवाइडेड इंटू इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड सिक्वेंस क्रॉपिंग।
इंटरक्रॉपिंग में क्या है, इंटरक्रॉपिंग एक स्पेस डायमेंशन है, जिसमें स्पेस डायमेंशन मींस इस एरिया में हम मैंने जैसे हमने 1 एकड़ लिया है तो इसमें हम कितनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। ये भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स की इंटरक्रॉपिंग है, जैसे एलो क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंट्रोल क्रॉपिंग, पेयर रो क्रॉपिंग, स्किप क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, पैच इंटरक्रॉपिंग, एडिटिव सीरीज क्रॉपिंग एंड रिप्लेसमेंट सीरीज क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्रॉपिंग इज डिवाइडेड इनटू डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग, क्वाड्रपल क्रॉपिंग, रेटिन क्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग। अब है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या है, इसको हम मोनोकल्चर भी बोल सकते हैं। इसमें एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है ईयर आफ्टर ईयर ऑन ए पीस ऑफ लैंड। इसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी रहती है, 100%, क्योंकि इसमें हम केवल क्या करते हैं, एक साल में एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं। रीजन ऑफ मोनोक्रॉपिंग का रीजन क्या है, क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे ड्राई लैंड एरिया हो सकता है, तो ड्राई लैंड एरिया में हम कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे, सोर्गम ग्रो कर सकते हैं और कॉटन क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जिसको वाटर रिक्वायरमेंट, जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो क्या हो, कम हो। लेकिन कुछ होता है जैसे हाई रेनफॉल एरियाज होते हैं, उनमें हम राइस क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। नेक्स्ट इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ ए फार्मर। जैसे कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ के जो फार्मर हैं उनकी स्पेशलाइजेशन किस में है, फ्लू कर्ड टोबैको कल्टिवेशन में। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या, हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ऑन सेम फील्ड पे इन वन कैलेंडर ईयर विदाउट डेटियोरेटिंग द सोयल फर्टिलिटी, ठीक है। और इसकी जो इंटेंसिफिकेशन है वो किस में है, दोनों में है, स्पेस में भी और टाइम में भी, लेकिन इंटरक्रॉपिंग की किस में है, ओनली स्पेस में, ठीक है। स्पेस डायमेंशन जैसे इसमें बताया कि मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एट एनी गिवन पीरियड। एंड टाइम डायमेंशन क्या है कि मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं विद इन ए ईयर। लेकिन जो मल्टीपल क्रॉपिंग है उसका एक लिमिटिंग फैक्टर है, इसमें क्या है, जितनी भी ज़्यादा हम क्रॉप ग्रो करेंगे और शॉर्ट ड्यूरेशन की हम मोस्टली क्या करेंगे, क्रॉप ग्रो करेंगे ताकि हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी आए, और उसको हायर प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिएगा, मोर नंबर ऑफ इरिगेशंस एंड हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो उसको मेंटेन करना क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या है, दो या दो से ज़्यादा हम क्रॉप साइमल्टेनियसली एक साथ ग्रो करेंगे सेम पीस ऑफ लैंड, जैसे हमने 1 एकड़ एरिया लिया उसी में दो या दो से ज़्यादा एक ही टाइम पे, जैसे 15 तारीख ले ली तो उसी दिन हम उसको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, लेकिन उनका डेफिनेट रो पैटर्न होना चाहिए। जैसे स्टेरिया इटैलिका, ये क्या है, काकुन पर्ल मिल, वो काकुन मिलेट है, और रेड ग्राम को हम क्या बोलते हैं, पीजन पी। तो इसमें जो स्टेरिया इटैलिका है इसकी जो रो है वो होंगी 5 रो के बाद नेक्स्ट रो होगी पिजन पी की, ठीक है। तो क्या होगा, एक डेफिनेट रो पैटर्न है। नेक्स्ट वन इज एलए क्रॉपिंग। एलए क्रॉपिंग में जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, एरेबल क्रॉप्स होती हैं, और एरेबल क्रॉप्स को हम एलएस में ग्रो करते हैं। जो एलएस किसके द्वारा बनाई जाती हैं, बाय द रोज ऑफ सुबबुल, केसिया एंड यूकलिप्टस, मोस्टली ट्री होते हैं वहाँ पे जो एले बनाते हैं। जो एरेबल्स क्रॉप होती हैं उनको टिलेज की और प्लोइंग की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, लाइक स्वीट पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, उड़द एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन जो एरेबल क्रॉप्स होती हैं उनका हैबिट कैसे होना चाहिए, स्लाइटली सेट टॉलरेंस,
लेकिन जो एले क्रॉप्स होती हैं वो टिलरिंग हैबिट वाली नहीं होनी चाहिए। ये एले क्रॉपिंग में क्या होता है, सोयल फर्टिलिटी क्या होती है, रिस्टोर होती है, एनहांस होती है और मेंटेन रहती है। और ऐसे ही सोयल की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो जितनी भी सोयल पार्टिकल्स होते हैं उन सबको क्या करती हैं, ये एरेबल क्रॉप्स हैं या फिर ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से सोयल इरोजन क्या होता है, कम से कम होता है। नेक्स्ट इज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या है, दो या दो से ज़्यादा हम क्रॉप साइमल्टेनियसली ग्रो करेंगे एक ही टाइम पे, लेकिन डिफरेंट स्ट्रिप्स में ग्रो करेंगे। वो इतनी डिस्टेंस होना चाहिए, इतनी वाइड होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, ताकि वो उनमें इनडिपेंडेंटली क्या कर सकें, कल्टिवेशन कर सकें और इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर सकें। लेकिन वो इतनी नैरो होनी चाहिए, इतनी नज़दीक होनी चाहिए, ताकि उनमें एग्रोनॉमिकली इंट्रैक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ए कंट्रोल क्रॉपिंग। हाँ, कंट्रोल क्रॉपिंग में क्या है, प्लांटिंग, प्लोइंग और वीडिंग। तो अलोंग दी कंट्रोल करनी है, क्या करना है, प्लांटिंग, प्लोइंग एंड वीडिंग along the contour and across the slope. Slope के क्या करनी है, across, लेकिन along किसके करनी है, contour के, इसमें rather than up and down. Next है paired row cropping. इसमें क्या है, जो every third जो row होती है उसको हमने क्या करना है, remove करना है और growing of crops in two rows. दो रो बना के वो क्या बन जाता है, वन पेयर बन जाता है। ऐसे हमने क्या करनी है, क्रॉप ग्रो करनी है। लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है सोइल मॉइस्चर को कंजर्व करके रखना। और ये किसके लिए सूटेबल है, फॉर ड्राई लैंड एरियाज के लिए, क्योंकि वहां पे क्या होती है, लिमिटेड वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है स्किप क्रॉपिंग। इसमें क्या है कि ए लाइन इज लेफ्ट अनप्लांटेड इन द रेगुलर रो सीरीज ऑफ सोइंग। इसमें वन रो ग्रो की, नेक्स्ट रो को क्या किया, अनप्लांटेड छोड़ा, फिर नेक्स्ट रो को हमने क्या किया, प्लांट किया। नेक्स्ट है पैरेलल क्रॉपिंग, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स विद डिफरेंट ग्रोथ नेचुरल हैबिट्स एंड जीरो कंपिटिशन between each other and both of them express their full yield potential. जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया है, या तो हम ग्रीन ग्राम या ब्लैक ग्राम को एज ए इंटरक्रॉप ले सकते हैं मेज के साथ, या फिर ग्रीन ग्राम या सोयाबीन को एज ए इंटरक्रॉप लेंगे कॉटन के साथ। तो इन में क्या है, ये सभी क्रॉप्स क्या करेंगी, अपनी जो yield है उसका full potential देंगी, full yield आएगी। इसमें क्या है कि जो पीक न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड है वो हर क्रॉप के लिए क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे मूंग और उड़द का 30-35 डेज आफ्टर सोइंग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन मेज की कब आती है, 50 डेज आफ्टर सोइंग। नेक्स्ट है कंपेनियन क्रॉपिंग। इसमें क्या है कि वन क्रॉप की एड दूसरी क्रॉप की एड, जो वन क्रॉप की ईल्ड है वो दूसरे क्रॉप के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती। ठीक है, द ईल्ड ऑफ बोथ द क्रॉप्स इज इक्वल टू देयर सॉलिड प्लांटिंग। मींस अगर हमने दो क्रॉप ली हैं, जैसे मस्टर्ड और सुगर केन की इंटरक्रॉपिंग की है, या वीट या सुगर केन की इंटरक्रॉपिंग की है, तो वीट की इंटरक्रॉपिंग में जितनी ईल्ड आएगी वो एज ए सोल क्रॉप जितनी ईल्ड आती है उतनी ही ईल्ड आएगी, इसमें रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे वीट, रेडिस, कैबेज, सुगर बीट को हम एज ए इंटरक्रॉप ले सकते हैं, किसमें, पोटैटो के अंदर। नेक्स्ट है सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। जो सिनर्जिस्टिक, देखो सिनर्जिस्टिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ही कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक एकड़ में लिया एज ए इंटरक्रॉप पोटैटो और सुगर केन को, और एक फील्ड में हमने लिया एज ए सोल क्रॉप पोटैटो को भी और सुगर केन को भी। तो इंटरक्रॉपिंग में जो ईल्ड है वो क्या आती है, ज़्यादा आएगी पोटैटो की इन कंपेरिजन टू सोल पोटैटो क्रॉप। ठीक है,
नेक्स्ट है पैच इंटरक्रॉपिंग। पैच इंटरक्रॉपिंग में क्या है, इसमें दो या दो से ज़्यादा क्रॉप जब हम साइमल्टेनियसली लगाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे, लेकिन वो किस उस फॉर्म में होना चाहिए, पैचेस फॉर्म में होनी चाहिए। अब क्या है कि जो प्लांट पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज के बेस पे हमने ईच क्रॉप को क्या किया है, डिवाइड किया है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, एडिटिव सीरीज एंड रिप्लेसमेंट सीरीज। एडिटिव सीरीज जो है वो मेनली इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, और इसमें क्या है कि हम एक बेस क्रॉप लेंगे, दूसरी क्रॉप को हम क्या लेंगे एज ए इंटरक्रॉप, और उसको बोल सकते हैं एज ए कंपोनेंट क्रॉप। जिसमें बेस क्रॉप क्या होती है, जिसको हम बोल सकते हैं एज ए सोल क्रॉप। सोल क्रॉप की जो पॉपुलेशन है वो हम 100% रखते हैं, ठीक है। तो बेस क्रॉप की पॉपुलेशन कितनी होगी, 100%। 100% बेस पॉपुलेशन के बाद बाई दी एडजस्टिंग क्रॉप ज्योमेट्री हम क्या करेंगे, उसमें अनदर क्रॉप को एज ए इंटरक्रॉप लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इंटरक्रॉप की पॉपुलेशन है वो क्या होगी, लेस देन इट्स रिकमेंडेड पॉपुलेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिया में फॉलो की जाती है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गेट एडिशनल इनकम एंड टू रिड्यूस द रिस्क। The land equivalent ratio of additive series is greater than replacement series. Land equivalent ratio हम next class में discuss करेंगे। लेकिन जो replacement series है इसमें क्या है, दोनों crop को हम as a intercrop और as a component crop लेंगे। Means किसी भी crop की 100% population नहीं रखी जाएगी। इस टाइप की जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। क्या है कि जो रिप्लेसमेंट सीरीज है वो लेस एफिशिएंट है देन एडिटिव सीरीज इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, क्योंकि एडिटिव सीरीज क्या है, एडिशनल इनकम भी फार्मर को देती है। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग इन सीरियल क्रॉप्स। इसमें क्या है कि इंटरक्रॉपिंग विद सीरियल इज एन एक्सेलेंट वे ऑफ एनहांसिंग द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि जो सीरियल क्रॉप हैं वो रेनी सीजन के रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे वाहिल लेट मैच्योरिंग क्रॉप्स हैं वो पोस्ट रेनी सीजन के रिसोर्सेज का भी एज ए रेजिड्यूल मॉइस्चर क्या करती हैं, एफिशिएंट यूज करती हैं, ठीक है। सोरगम इज कॉमनली इंटरक्रॉप्ड विद पिजन पी ऑन वेरियस टाइप ऑफ सोयल्स। सोयाबीन इज आल्सो वेल सुटेड कंपेनियन क्रॉप विद मेज। पर्ल मिलेट भी क्या है, एक क्या है, क्विक टिलरिंग और फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है। इसके साथ भी हम कोई भी क्रॉप ले सकते हैं एज ए इंटरक्रॉप। नेक्स्ट इज द इंटरक्रॉपिंग इन पल्सेस। फॉर पिजन पी के लिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप ले सकते हैं जैसे ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, और ये क्या है, गुड एग्जांपल ऑफ कैंपेनियन क्रॉप्स इन पेनिनसुलर इंडिया। ग्राउंडनट इज आल्सो ए वेल सुटेबल इंटरक्रॉप। इंटरक्रॉपिंग इन कॉटन, अगर क्योंकि जो कॉटन है वो इनिशियल स्टेज पे क्या करती है, स्लो ग्रो करती है, ठीक है। तो इसमें हम शॉर्ट ड्यूरेशन की और फास्ट ग्रोइंग क्रॉप ले सकते हैं जैसे ग्राउंडनट, ग्रेन ग्राम, ब्लैक ग्राम और क्लस्टर बीन ले सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल है जैसे ग्राउंडनट। ग्राउंडनट को अगर हम मोनो एज ए मोनोक्रॉप लेते हैं तो जो जितने भी क्लाइमेट रिसोर्सेज हैं जैसे रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सोलर रेडिएशन है, तो उनका जो यूटिलाइजेशन है ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या है, बेस्ट है। लेकिन अगर हम उसको रेड ग्राम को एज ए इंटरक्रॉप लेते हैं ग्राउंडनट के अंदर, तो भी जो पोस्ट रेनी सीजन है और स्टार्ट अप ऑफ विंटर सीजन तक ये जितने भी वो है रेजिड्यूल मॉइस्चर है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेगा अपॉन पिजन भी। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। It increases the crop production. Next is greater use of environmental resources.
रिडक्शन इन पेस्ट डिजीज एंड वीड्स अटैक, स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन क्रॉप यील्ड एंड इन इम्प्रूव द सोयल फर्टिलिटी. नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंटर क्रॉपिंग. देखो इसमें क्या है कि क्रॉप यील्ड इज डिक्रीजेस एज द क्रॉप्स डिफर इन देयर कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज. अगर हमने दो सीरियल क्रॉप को एज ए इंटर क्रॉप लिया है तो उसमें जो कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज होगा तो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो एट ए टाइम इंक्रीज हो जाएगी. अगर फार्मर ने उस टाइम पे न्यूट्रिएंट या वाटर सप्लाई नहीं किया तो डायरेक्टली इफेक्ट किस पे आएगा, क्रॉप की यील्ड पे. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ इंटरक्रॉप्स, लाइक इंटरकल्चरल ऑपरेशन है या फिर हर्बिसाइड की एप्लीकेशन है, वीड मैनेजमेंट है, ठीक है, और इनके क्या है डिफरेंट टाइम पे क्या है इरिगेशन के रिक्वायरमेंट है, तो ये सब क्या है प्रॉब्लम आती है एट द टाइम ऑफ इंटरक्रॉपिंग. नेक्स्ट है सुपीरियर इम्प्लीमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड एफिशिएंटली. हायर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स या नंबर ऑफ इरिगेशन है वो भी अप्लाई की जाती हैं, और नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली एज द कंपोनेंट क्रॉप्स वेरी इन देयर रिस्पॉन्स ऑफ दिस रिसोर्सेज. ठीक है, नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिस इन इंटर क्रॉपिंग. रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल इंटर क्रॉपिंग. इसमें क्या है, जब भी हम कोई भी दो क्रॉप या दो से ज़्यादा एज ए इंटर क्रॉप लेते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, जो उनका पीक न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड होता है वो अलग होना चाहिए, डिफरेंट टाइम पे होना चाहिए, वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए. जैसे कि मेज और ग्रीन ग्राम, तो ग्रीन ग्राम का जो न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड है वो 35 डेज आफ्टर प्लांटिंग है, लेकिन मेज का कब है 50 डेज आफ्टर प्लांटिंग. तो 35 दिन के बाद जो न्यूट्रिएंट जितने भी अपटेक करने होंगे वो कौन करेगा, ग्रीन ग्राम, और 50 दिन के बाद कौन करेगा, मेज. ऐसे क्रॉप की जो ग्रोथ है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है, और फाइनली जो फार्मर है वो अच्छे यील्ड गेन करता है. नेक्स्ट है कंपटीशन फॉर लाइट, वो भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट हाइट की क्रॉप्स लेंगे, जैसे टाल क्रॉप या शॉर्ट क्रॉप. ठीक है, जो शॉर्ट क्रॉप होंगी वो क्या होंगी, सेट टॉलरेंट क्रॉप होंगी, और जो टाल क्रॉप होंगी वो क्या करें, जो टॉलरेट करें कर सके हाई इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन. ठीक है, फिर जो मैच्योरिटी टाइम है कंपोनेंट्स क्रॉप का वो भी एटलीस्ट 1 मंथ का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरक्रॉपिंग में जो कंपोनेंट्स क्रॉप हैं उनकी यील्ड को हम कैसे असेस कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.